नकली इंजेक्शन को जबत करिला एबे पुलिस। जबलपुर पुलिस एही नकली इंजेक्शन को जबत करबा सह इंजेक्शन बेका जाउथबा स्टोर ऑपरेटर को भी गिरफ करछि। तबे एने जबलपुर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी कहिछन जे बिना लाइसेंस रे एमाने एही इंजेक्शन गुडी को बिक्री करथले आउ तांकर मेडिकल स्टोर को भी सेमाने चलाउथले, जहा को नै दुकान सील हेबा सहित दुकान रो मालिक को भी गिरफ कर दैछि। तेबे नकली कारबार आउ केउ वडे लंबेछि ताहार बि चालेछि तनाघना। एही कामरे आउ किए संप्रुक्त अछि ताको नै एबे पुलिस तदंत करथुबा भी स्पष्ट करछन्ति। नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान सिकंजा जबलपुर जिले में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक मुख्य आरोपी जो एक मेडिकल स्टोर MN फार्मा के नाम से संचालित कर रहा था और उसने एक स्टोर ये नशीले इंजेक्शन की लाइसेंसिंग नहीं है, इनको पूरे जबलपुर शहर में अपने विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से युवाओं को रन लोगों को सप्लाई कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। 7,400 इंजेक्शन पकड़े गए, इनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। और इसके पहले जुलाई माह में 8 अन्य आरोपियों को भी समय समय पर पकड़ा गया। ये पैकाबेल और ब्यूपिन के इंजेक्शन है, ये कंपनी नेम है और ये एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जो लंबे समय तक आपको नशे का इम्पैक्ट उनका रहता है और ये लोग इंजेक्टेबल होते हैं जो अपने नर्व में ये लोग रखाते हैं। वो पहले उसके बारे में हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरह से किस जो संचालित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।